everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for a good health and well-being. So, आज है हमारी वाइट कोट सेरेमनी. कल मैं अपने घर आ गई थी और यहीं से अब मैं कॉलेज के लिए जाऊंगी. भैया मुझे छोड़ेगा क्योंकि भैया आजकल घर आया हुआ है और अब मैं घर से ही जाऊंगी थोड़े दिन के लिए कॉलेज. सुबह हमारी क्लासेस लगेंगी, उसके बाद दिन के टाइम पे हमारी वाइट कोट सेरेमनी होगी. आपको सब कुछ पता चल जाएगा आखिर वीडियो में क्या क्या होगा. मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है. आई नो आप भी एक्साइटेड होंगे. सो बने रहिए वीडियो में आगे और देखिए कि आज क्या क्या होता है. वाइट कोट सेरेमनी अटेंड करने के लिए पहले मुझे कॉलेज तो जाना पड़ेगा. कॉलेज जाने के लिए मुझे आज लेट हो चुका है, इसलिए मैं फटाफट जाती हूँ. मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए. एक तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे लेट हो रहा है और साथ ही मैं वीडियो बनाना भी नहीं छोड़ रही हूँ. और भाई यहाँ वेट कर रहा है कि कब ये अपना तामझाम खत्म करे और मैं कब इसको कॉलेज छोड़ के आऊँ. और ये है मेरे कॉलेज का गेट. और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी वाइट कोट सेरेमनी अटेंड करने के लिए. मेरे भाई ने मुझे आज जल्दी जल्दी पहुँचा दिया. थैंक यू भैया, अब मैं जा रही हूँ. बाय. हेलो हमारी वाइट कोट सेरेमनी है आज हमारे साथ. वाइट कोट सेरेमनी से पहले हमारी फाउंडेशन कोर्स के कुछ लेक्चर्स बचे हुए थे तो हमने वो अटेंड किए. और उसके बाद हम लंच करने चले गए अपने हॉस्टल. और ये देखो इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है, वो भी खाने के ऊपर. और यहाँ पर अभी हम रील डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रांजिशन रील कैसे बनेगी. सब लोग उसी डिस्कशन में लगे हुए हैं बिहाइंड द सीन. इनसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने क्या बनाना है. और अब ट्रांजिशन वीडियो शूट करने के बाद हम वापस जा रहे हैं कॉलेज अपनी वाइट कोट सेरेमनी अटेंड करने के लिए. Before moving ahead in this video, I want to tell you about something. So, NTA ने NEET 2023 की डेट अनाउंस कर दी है जो कि है 7th of May. So, NEET 2023 का जो एग्जाम होने वाला है वो 7th of May को होने वाला है. एंड आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आई थिंक बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी चल रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है. सो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PW लेके आया है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स. तो बात करते हैं नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा. तो नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स में आपको फुल सिलेबस लिमिटेड टाइम में पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, वो भी PW के एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा. सो अगर बात करें स्टडी मटेरियल की तो आपको डेली लेक्चर के PDF नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के PDF विद देयर वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर के बाद ही मिल जाएंगे. और इसी बैच के अंडर आपके शेड्यूल्ड टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को इवेलुएट करने में, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और आपको ये बताने में कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, आप प्रिपेयर ठीक से कर रहे हो या नहीं. अब अगर बात करें इस कोर्स के प्राइस की तो ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1799 rupees ओनली. और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, ऑलरेडी ये बहुत कम है इसके प्राइस, इस कोर्स की प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा अगर इस पे डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो PN150, जिसको यूज़ करने के बाद आपका जो ये प्राइस है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और 150 rupees इसमें से और कम हो जाएंगे और आपको ये और भी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा होगा. और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो क्लास के नोट्स हैं और जो उनके DPPs हैं उनके अलावा भी उन्हें क्वेश्चन करने हैं, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास जो कि है मॉड्यूल्स नीट की, जो इस नीट क्रैश कोर्स के अलावा आपके लिए अवेलेबल हैं और वो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए बहुत सही हैं. स्प्रिंट फॉर नीट क्रैश कोर्स प्राइज एट 1300 rupees टिल 31st of December 2022 ओनली. सो देर क्यों कर रहे हो यार, इतना सही सही ऑफर भी चल रहा है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है.
और आप लोग कहते भी रहते हो कि दी बताओ कि बैकलॉग के लिए मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग चला हुआ है तो उनके लिए क्रैश कोर्स मस्ट है, लेकिन इस क्रैश कोर्स को आप बहुत अच्छे से करना और मतलब इसमें बैकलॉग मत होने देना, क्योंकि ये 26 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको उसी दिन से स्टार्ट कर देना। इसकी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से लगाना। अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाओगे या आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो दोनों पे एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करके इस कोर्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इतना इस बैच का प्राइस है, उससे और ज़्यादा आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज़ कर सकते हो और भी ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हो। तो देर क्यों कर रहे हो यार, जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी जाके परचेज करो, और मुझे बताना ज़रूर अगर आपने इसको परचेज किया है तो कमेंट सेक्शन में। ओके, और ये हमारी प्यारी सी रंगोली बनाई गई है हमारी वाइट कोट सेरेमनी के लिए। MBBS बैच 2022 हमारे बैच की जो पहचान है इस कॉलेज में वो MBBS बैच 2022 ही रहेगी हमेशा के लिए। और अब हम जा रहे हैं अपने एप्रन को कलेक्ट करने के लिए, जो हम बाद में अपने प्रोफेसर्स को देंगे और वो उसे हमें पहनाएंगे। सो फाइनली ये है मेरा एप्रन और इस पे मेरा नेम भी लिखा हुआ है, पूजा नेगी। और बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाई बहनों का और फिजिक्स वाला के, उन सभी टीचर्स का जिनसे मैंने पढ़ा और जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया, और सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं होते तो ना शायद ये कभी हो ही नहीं पाता। जितना सक्सेस पर मेरा हक है उतना ही आप सभी का है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Airwaves,
पूर्वाभिमुख होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों की साक्षी में प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने अध्ययन काल में संयमी सात्विक तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा और सतर्कतापूर्ण सेवापरायण उदंडता और ईर्ष्या से रहित होगा चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगा और करती रहूंगी रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा और निज स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा सदैव मधुर पवित्र उचित आनंद वर्धक सत्य हितकारी तथा विनम्र प्राणी प्रयुक्त करूँगा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहूँगा के समय मेरा विवेक ध्यान एवं इंद्रिया रोग निदान हेतु केंद्रित होगी मैं रोगी अथवा उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा क्योंकि वह रोगी अथवा उसके आत्मीयजनों का आघातकारक हो सकती है मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार रूप में नहीं करूँगा न राज्य की न स्वर्ग की न मोक्ष की आकांक्षा है मेरी आकांक्षा दुख से तब प्राणी मात्र का दुख दूर करने की है And for you, with you lucky children, it's come true. So I would request all of you, dear students, to respect this white coat. Wear it with dignity, wear it with pride. It is an honor to be able to serve the people. पहले इनको लेंगे हम ये हाइजीनिक और ये व्हाइट कोट पहनने के बाद हमारी समोसा पार्टी चल रही है जा रही हूँ अभी घर को और भैया आया हुआ है मुझे लेने के लिए तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है मेरे को फर्स्ट टाइम व्हाइट कोट में देख के सरप्राइज थैंक यू कैसा लग रहा है व्हाइट कोट में देख के मुझे और इसके बाद मैं चली गई अपने घर के लिए Thank you.
मैं आ गई हूँ अपने घर कॉलेज से घूमते फिरते हर जगह अपने कोट को शो ऑफ करते हुए और आज की फीलिंग ही कुछ और थी यार सच में। आई होप कि आप लोग भी, आई प्रे कि आप लोग भी इस फीलिंग को एक बार एक्सपीरियंस करो, इस एक्सपीरियंस को लो एक बार अपनी लाइफ में। सच में बहुत अलग फील होता है। वो एक सॉन्ग है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, वैसे ही फीलिंग आ रही थी सच में। आई प्रे कि अगले साल आपकी भी इसी तरह वाइट कोट सेरेमनी हो और आप भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि किसी भी तरीके से की दी, देखो मेरी भी आप वाइट कोट सेरेमनी थी और मेरे को भी कोट मिल चुका है। मैं भी प्राउड फील करूँ कि यूट्यूब फैमिली है उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ने नीट का एग्जाम क्रैक किया है और उन्हें भी वाइट कोट मिल चुका है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।